शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, लेकिन जनपद अम्बेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय बनवा बहलोलपुर में शौचालय तो है, परंतु 3 साल से शौचालय के सेफ्टी टैंक का गड्ढा भर जाने के कारण इन शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे इस विद्यालय में पढ़ने वाले अर्चना सहित 85 बच्चों को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने स्कूल में कौन सुविधा बा बेटा? वंडरी हैंड पाइप। कौन परेशानी होता है? लैटरिन का गड्ढा बंद है। लैटरिन है पर गड्ढा बंद है जी। खेत में जिससे गंदी गंदी रहते हैं उसमें बह जाते हैं और गिर उड़ पड़ते हैं, कोहरा है, इसीलिए सोचते हैं लैटरिन के गड्ढा सही हो जाए, इसमें रहे, खेत में ना जाना पड़े। हमारे स्कूल में टोटल 85 बच्चे हैं। कितने अध्यापक, कितने अध्यापक? 2 अध्यापक, 1 शिक्षामित्र हैं। यहाँ भी बिल्डिंग है, बाउंड्री है, शौचालय है। समस्या शौचालय में गड्ढे की है, गड्ढा जो पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण उसका प्रयोग नहीं हो पाता। बच्चे बाहर जाते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं, अध्यापिकाएँ भी बाहर जाती हैं, इससे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसकी शिकायत मैंने कई बार लिखित तौर पर जिला में शिक्षा कार्यालय को करवाई, लेकिन अभी ग्राम प्रधान को ही बताया, लेकिन ये अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो हम लोगों की समस्या सुलझ जाएगी। हमारे स्कूल की परेशानी बस शौचालय में ठीक नहीं है, और जो है बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हम भी बाहर जाएंगे, मैडम भी बाहर जा रहे हैं, सब लोग का ही परेशानी है। प्रधान जी, आपके स्कूल में शौचालय तो है लेकिन गड्ढा खराब है, आपको सूचना है? हाँ, सूचना है, 2-3 साल से है। वहाँ के बच्चे और रसोइयाँ, वहाँ के जो मशराइन है, उनको बहुत परेशानी होती है। हाँ, परेशानी होती है, मालूम है। सदस्य के साथ अपनी बैठक करेंगे, सफाई करवाएंगे। प्रधान जी, कितना दिन तक प्रयास है? बस 2-3 महीने तक कोशिश है। हमारे गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको भी टेंशन है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग अम्बेडकर नगर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 94-53-00-47-39 पर कॉल करके दबाव बनाएं और मेरी मदद करें, ताकि यहां का शौचालय सही हो सके। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहट के लिए।